नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं आज आशीष अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है YouTube मार्केटिंग कोर्स के दूसरे दिन में। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से YouTube मार्केटिंग करके आप अपने बिजनेस को, सर्विस को या स्किल्स को प्रमोट कर सकते हैं, और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं अगर जिन पर आप काम करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो आपकी जो भी स्किल है या जो भी आपका पैशन है उसे आप अपनी मार्केटिंग YouTube मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि हम लोग यूट्यूब चैनल बनाते कैसे हैं, किस तरीके से हम अपना YouTube चैनल बनाकर उसमें चैनल आर्ट लगाते हैं, उस पर आपका लोगो लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों YouTube चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपको YouTube.com पर आना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं www.youtube.com पर मैंने यहाँ पर लॉग इन किया है। लॉग इन करने के बाद आपके पास आपकी जीमेल आईडी से ही ये लॉग इन होगा, क्योंकि जो यूट्यूब है जीमेल का ही प्रोडक्ट है। मैंने ऑलरेडी अपनी जीमेल आईडी से यहाँ लॉग इन किया हुआ है। प्रीतम वर्मा जी हैं मेरे मित्र हैं जिनकी जीमेल आईडी से मैं लॉग इन किया हुआ है। ये ब्लॉगिंग की टिप्स देते हैं, टिप्स फॉर ब्लॉगर इनकी वेबसाइट है। तो आज हम उन्हीं के लिए एक चैनल बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ लॉग इन किया हुआ है, अगर आप लॉग इन नहीं होंगे तो आपके जब भी आप youtube.com खोलेंगे तो राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर आपका साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहां पर आपकी इमेज बनी हुई आ जाएगी। इस इमेज पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद यहां बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इन सारे ऑप्शंस में नीचे से तीसरा ऑप्शन है सेटिंग्स का, आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक नई विंडो खुल जाएगी। इस विंडो पर आप देखेंगे योर अकाउंट में व्यू एडिशनल फीचर्स और उसके नीचे लिखा होगा क्रिएट न्यू चैनल। दोस्तों आपको नया चैनल बनाना है, आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू चैनल पर। बहुत ही इजी है, सिर्फ दो मिनट भी ज्यादा मैं बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यहां पर ही आपसे पूछ रहा है आपका ब्रांड अकाउंट नेम, तो आपका ब्रांड अकाउंट नेम इनका मुझे बनाना है टिप्स फॉर ब्लॉगर के नाम से, टिप्स फॉर ब्लॉगर। मैंने यहाँ पर टिप्स फॉर ब्लॉगर लिख दिया और ये क्रिएट का बटन मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इनका ब्रांड नेम लिख के क्रिएट का बटन क्लिक किया, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा यूट्यूब के मेन पेज पर और देख रहे हैं कि आपका चैनल बनकर तैयार हो चुका है। अब आपका चैनल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन आपको इसका चैनल आर्ट भी लगाना है और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको आइकन भी यहाँ सेट करना है। चलिए दोस्तों हम इसका आइकन और चैनल आर्ट सेट करते हैं। दोस्तों अब आपको चैनल को कस्टमाइज करना है, तो यहां पर आप ऑप्शन देख रहे हैं कस्टमाइज चैनल, आप इसे क्लिक करेंगे। आप जब इसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे चैनल का डिस्क्रिप्शन पूछेगा, एक आइकन पूछेगा और एक चैनल आर्ट आपको ऐड करना है। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर एक आइकन ऐड करते हैं। जैसे आप आइकन पे जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं आइकन पर एक पेंसिल का मार्क बना हुआ आएगा, इस पेंसिल के मार्क पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने पर ये पूछ रहा है एडिट चैनल आइकन, तो यहां पर एडिट आप क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होगी और उस नई विंडो पर जाकर आपका जो भी आइकन आपने लगाना है वो ऑलरेडी आपने क्रिएट किया हुआ होगा, उस चैनल को यहां अपलोड कर देना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप किसी भी अदर सोशल मीडिया अकाउंट में करते होंगे, जैसे कि मैंने यहां पर प्रीतम जी ने ऑलरेडी सेट किया हुआ अपना आइकन, वो इन्होंने यहां पर फिट कर दिया। इनका आइकन लग गया है। अब आइकन के बाद हमें जो अगला काम करना है वो चैनल आर्ट लगाना है। चैनल आर्ट के लिए आप यहां पर ऐड चैनल आर्ट पे आएंगे, आपकी जो फोटो है आप उसे अपलोड करेंगे, जो आपने बनाई हुई होगी चैनल आर्ट की फोटो, जैसे कि इन्होंने कोई भी फोटो बनाई हुई है, ये हमने यहां से पिक कर ली। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर अपना चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी बहुत जरूरी है।
जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसके लिए आपको थंबनेल अपडेट करना होगा, या फिर आपको वीडियोस के लिए नए नए ग्राफिक्स डिजाइन करने होंगे। सो अगर आपको फोटोशॉप या फिर कॉरेलड्रॉ आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कुछ नहीं आता है तो कल का जो मेरा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि हम किस तरीके से बहुत ही सुंदर ग्राफिक्स मिनटों में बनाएं, वो भी बिना फोटोशॉप या कॉरेलड्रॉ की मदद के। तो कल का मेरा जो लेशन होने वाला है उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये चैनल आर्ट किस तरीके से आपको अलग अलग डेस्कटॉप पर, टीवी पर या मोबाइल पर नजर आएगा। आप इसे अपने हिसाब से क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर देख रहे हैं कि टिप्स फॉर ब्लॉगर का थोड़ा थोड़े वर्ड्स कट रहे हैं, जो कि चैनल का ब्रांड नेम है वो कटना नहीं चाहिए, तो ये मैंने एडजस्ट किया और आप देख रहे हैं पूरा आ गया यहाँ पर, ठीक है। और मैंने इसे अब सेलेक्ट कर लिया, जब सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं टिप्स फॉर ब्लॉगर ये पूरा लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको अपने चैनल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन जोड़नी है, जैसे कि आपका चैनल किस बारे में, ब्लॉगर के, ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में है। सो टिप्स फॉर ब्लॉगर इज ए चैनल फॉर ब्लॉगिंग टिप्स फॉर बिगिनर ब्लॉगर्स। तो दोस्तों ये चैनल आप जितना अच्छा यहां पर अपना अपने बारे में लिखेंगे उतने ज्यादा लोग आपके चैनल से प्रभावित होंगे। मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, आप या तो खुद लिखें या किसी अच्छे कंटेंट राइटर से आप 200 या 300 वर्ड का एक चैनल डिस्क्रिप्शन लिखवाकर यहां पर जरूर डालें। सो दोस्तों आज बस इतना ही, आप देख रहे हैं कि आपका चैनल पूरा बनके तैयार हो चुका। कल मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत ही सुंदर बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करें, उसके बाद हम आपको बताएंगे आपके चैनल के अंदर आप किस किस तरीके से अपने अपने चैनल को अपडेट कर सकते हैं, आपके YouTube के कॉपीराइट्स क्या हैं, YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं। सो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।